बात अब महाराष्ट्र की करेंगे, जहां पर कल गृह मंत्री अमित शाह पुणे पहुंचे। उन्होंने यहां बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे पर जमकर निशाना साधा। शाह ने कहा कि 2019 के चुनाव में तय हुआ था कि देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा, लेकिन सत्ता के लिए शिवसेना मुकर गई। मैं खुद उस वक्त शिवसेना के साथ जो संवाद हुआ मैंने खुद ने किया, और मैं फिर से आज कहना चाहता हूं कि उस वक्त तय हुआ था कि देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और मुख्यमंत्री भारतीय जनता मुकर गए। सत्ता के लिए हिंदुत्व के साथ समझौता कर लिए। दो पीढ़ी से जिनके सामने लड़ते थे उनकी गोदी में बैठ गए और कहते थे हमने तो कहा ही नहीं, वो कह रहे हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूं। चलो भैया एक सेकंड के लिए मान रहे हैं, मगर आपकी सभा के पीछे जो बैनर लगते थे ना उसमें आपके फोटो की और मोदी जी के फोटो की साइज जरा देखना, आपकी एक चौथाई थी। हर भाषण में आपको मोदी जी का नाम लेना पड़ता था। आपकी उपस्थिति में मैंने और मोदी जी ने दोनों ने कहा था कि देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में चुनाव लड़े हैं और एनडीए जीतने के बाद देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री।